पे हो जी जी आप मूलतः राइटर हैं, उसके बाद आप निर्देशक बने, और आपकी जितनी भी आपने फिल्में लिखी हैं या डायरेक्ट की हैं उसमें स्टार कास्ट बहुत बड़ा होता है और सबका कुछ ना कुछ स्पेशल किरदार रहता है। तो इतने ढेर सारे किरदार को लेकर जब आप फिल्म बनाते हैं तो एडिटिंग टेबल पे कितनी मुश्किल आती है, क्योंकि सारे के सारे एडिटिंग टेबल पर तब मुश्किल आती है जब आप स्क्रिप्ट जब लिखते हैं, वहाँ अगर आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि ठीक है शूटिंग पे देखेंगे के लिए एडिटिंग टेबल पे देखेंगे, बट अगर आपकी स्क्रिप्ट जो है उस वक्त जब एकदम क्लियर होती है तो मुझे लगता है कि वो फिल्म जो है वो एक ही जगह बनती है स्क्रिप्ट लेवल पर। उसके बाद एक एग्जीक्यूशन होता है और एडिटिंग में सिर्फ जोड़ना होता है, थोड़ा बहुत ठीक करना होता है, तो मुझे कभी भी इतनी तकलीफ नहीं आई और ना ही फिल्म में आई है एडिटिंग टेबल पर, इसलिए कि जो लिखा था उसी को पूरी ईमानदारी और मेहनत से शूट किया है और वही जो है एडिटिंग में रखा है। अर्जुन आपके सामने अमित फ्रॉम दैनिक जागरण जी, आपके सामने यहाँ है, मेरे सामने इतने सारे लोग हैं कैमरे के पीछे, कैमरे का अच्छा उतना या, 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 या। हाँ हाँ दिख गए दिख गए जी। अर्जुन अथिया और जो भी मतलब लोग हैं इसमें, आप सबकी जिंदगी में सबसे पहला मुबारका मोमेंट क्या था जो आपने ऊपर वाले को या फिर जिनको आप मानते हैं सबसे अपना मतलब अजीज या फिर मतलब उनको? मेरे लिए सबसे बड़ा मुबारका मोमेंट था, मैं 10th पास हो गया, तो मैंने मैंने बोला हाँ मैंने बोला मुबारका, चलो आज घर पे मारनी पड़ेगी, तब वो तो मुझे याद। कितने परसेंट थे? वो याद रखना जरूरी नहीं है ना, कुछ चीजें भुलाई जा सकती है। अनिल सर आपका? मेरे लिए तो हर रोज एक मुबारका मोमेंट है, हर रोज एवरीडे, हर रोज हर वक्त हर सांस, हर सांस मैं जब लेता हूं तो मुझे लगता है कि मुबारक मुबारक एक सांस मिल गई मुझे। अथिया आपसे एक सवाल था कि हीरो से मतलब ग्रैंड एंट्री करने के बावजूद भी आप काफी मतलब अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं, ऐसा क्यों? फूंक फूंक के रख रहे हैं मतलब कि गिन चुन के ही फिल्में कर रही हैं? तो हाँ you know, I think the most important part of being an actor is being patient, and it's not about what you do while you're waiting, but I mean it's not about just waiting, it's what you do while you're waiting. And mujhe aise laga tha ki I wanted to be a part of a film that would make me proud, and I'd get to learn something, and I've learned so much in this film, during this film, so I think for me I'd rather do films that I take away something from. अनिल सर आपके सवाल था कि जो इस फिल्म में एक एक करके सबसे पूछना है जी 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 हाँ। अनिल सर जो मतलब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है हीरो और हीरोइन के आपसी का वो रिलेशनशिप्स को लेकर के, वो लग रहा है जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी में जो था मतलब शाहरुख के मतलब दोनों अजय जी आपका सारे सवाल है यही पूछेगा तो जी तो वो उसका एक्सटेंशन कहूँ मैं इसे या ये आइडिया कैसे आया था? किससे पूछा है आपने और क्या पूछा है? अनीश जी से। हाँ आप रिपीट कर दीजिए लाइन अनीश और छोटे में। या जी जो मतलब रिलेशनशिप है हीरो की हीरोइन के साथ, ठीक है, तो वो लग रहा है जैसे रब ने बना दी जोड़ी, जो एक कॉन्ट्राडिक्शन था या एक दुविधा थी चुनने की, उसका एक्सटेंशन यहाँ पे मतलब फील हो रहा है। नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ देखते हुए, पता नहीं आपको कैसे हुआ। एंड मतलब मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ, पता नहीं ये मैंने रब की जोड़ी जो है फिल्म देखी नहीं है, तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। हाँ ये है कि ये जो फिल्म है ये मुझे नहीं लगता है कि कहीं से इंस्पायर होकर हम लोग ने कुछ किया है, इट इज़ वेरी ओरिजिनल आइडिया और मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा। आप संतुष्ट हैं अपने जवाब से? Biggest hit of Arjun Kapoor, and I hope that happens as well. So my question to you is that you've had a wonderful and a very wide variety of roles that you played. You've had like a Ishwar, which you've always said that's one of your closest as far as you're concerned. You've had a Pukar, for which you've got a national award as well. At the same time, there are many people who know you for Munna and all these jhakas and all these wonderful films that you've done, which are entertaining. Now, when we come to Mubarakan, it seems into that zone of entertainment that makes you laugh and enjoy as well.
many times we see that such films, they don't get that sort of maybe favorable response from the critics. But do you feel at times that such films, they make a lot of difference in the lives of people who are like, say, from a lower economic strata, and for them, entertainment, movies are everything. And they get their source of entertainment only through movies, and they just absolutely love such sort of cinema. Do you feel that people should also look from that perspective? देखिए ये सवाल बहुत बार किया गया और बहुत बार मेरे ख्याल से हम सब अमित जी हैं और अक्षय कुमार साहब हैं और बहुत से बड़े बड़े दिलीप कुमार साहब यूसुफ साहब और यू नो उसके बाद भी काफ़ी कलाकार हैं जीतू जितेंद्र साहब और हम सब यू नो एंड देन मैंने भी काफ़ी ऐसे फिल्में की हैं और मेरे ख्याल से हमारी लॉन्जिविटी में उसका बहुत बड़ा हाथ है अगर आज हम इतने सालों से टिके हुए हैं तो इस इन फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है तो अगर मैं सब यंगस्टर्स हीरोज़ को भी यही कहूँगा कि ये फिल्म ऐसी फिल्में जो एक पारिवारिक मनोरंजन दे और सबको हंसा सके और सबको रुला सके और सब समझ सके ऐसी फिल्में करना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक लंबी इनिंग्स खेलनी है तो मेरा तो यही है मैंने तो हमेशा यही आई फील एंटरटेनमेंट एंड अगर थोड़ा बहुत उसमें एक मैसेज भी हो तो मज़ा आ जाए राज साहब हमेशा यही कहते थे कि बेटा फिल्में एंटरटेनमेंट होनी चाहिए एंटरटेन करो पर एक छोटा सा मैसेज भी दे दो उसके साथ साथ एक सोशल मैसेज और बट इट हैज़ टू बी जैसे कि हमने हमारे जो साइंटिस्ट हैं अनीस बाजमी साहब उनको हमारे राइटर हैं बली साहब जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कहानी और फिल्म लिखी है तो वो एक फिल्म लिखी और हमारे साइंटिस्ट को दी गई तो साइंटिस्ट ने उस कहानी को लिया उस स्क्रिप्ट को लिया और अपना जो उनकी पूरी जो उनका तजुर्बा है उनका जो एक्सपीरियंस है जो उसके लाइफ के एक्सपीरियंस हैं उनके जो रिश्तों के एक्सपीरियंस है जो अनीस साहब की अपनी मम्मी के साथ अपने भाइयों के साथ अपने बहनों के साथ अपने दोस्तों के साथ अपनी वाइफ के साथ अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जो जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं वो सब उन्होंने उस साइंटिस्ट ने उस कहानी उस बली साहब के स्क्रिप्ट में उसको घोला 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 और सब कुछ डाला और वहाँ से निकला है मुबारक सर माय क्वेश्चन प्राइमरली वाज दैट it seems that it will work very well I think with masses especially in terms of people from lower cities everywhere my question primarily was that many times we see that critics they tend to over intellectualize things rather than actually just looking at what demographic or what difference a movie can actually make in people's lives because in lower cities this you're asking me asking you again yes yeah I'm basically saying that I'm just trying to elaborate upon that he's saying ki aap us cheez ka jawab do aapne baaki sab yeah, liye that the difference that that movies entertainment se badi baat iska jawab isse bada jawab kya ho sakta maine itne bade दिग्गजों का नाम लिया right. इतने बड़े दिग्गजों का नाम लिया वो इतने सालों तक सर्वाइव कर रहे हैं मुझे हो गए 38 साल भैया ऐसी मैंने सब फिल्में की 38 साल टिका रहना बड़ा आई डोंट नो आई थिंक उसमें थोड़ा बहुत कुछ तो मैंने सही किया नहीं आई एम नॉट सेइंग दैट यू यार आपको जवाब मिल गया अभी क्यों मैं आप घुमा फिरा के ऐसा जवाब चाहते हैं आप लोगों को जवाब मिल गया लेडीज एंड जेंटलमैन ओके वी आर टेकिंग टू मोर जस्ट टू मोर क्वेश्चंस सर दो उसको पूछ तो लेने दे मैं सिर्फ बता रहा हूं कौन अर्जुन वरुण धवन आल्सो प्लेइंग अ डबल रोल इन जुवाटो जी 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 एंड नाउ इट्स यू सो डू यू थिंक इज दिस अ न्यू ट्रेंड इन बॉलीवुड न्यू नहीं आई थिंक पिछले 30 40 50 साल से डबल रोल आ रहे हैं तो मैंने इसके पहले ऑलरेडी एक डबल रोल वाली फिल्म की थी बट नहीं हाँ मेरे जो कंटेम्प्रेरी है मेरे दोस्त है वरुण वो भी कर रहे हैं वो तजुर्बा कर रहे हैं मैंने इसके पहले औरंगजेब की थी पर आई थिंक डबल रोल को अलग ऐसे कर, अगर आप कहें कि रोमांटिक पिक्चर अब दो आ रही है पर उसके तरीके अलग होते हैं मिस्टेक एन आइडेंटिटी हो गया या अगर दो भाई जुदा हो जाते हैं वो हो जाता है यहाँ पर हमने साफ साफ बताया कि इट्स अ न्यू टेक एंड इट जेन्यूनली इज आपने शायद ऐसा डबल रोल जेन्यूनली मैं ये बहुत ऑनेस्टली कह सकता हूँ इट इज़ very very unique it is not something that you've seen anywhere in the hindi film landscape I would say because pehli baat to ye samajhna ki main inka bhanja bhi hu aur inka bhatija bhi hu wohi janne ke liye aap aa jaiye to aap samajh jayenge ki ye double role mein nayapan kya hai because wo ek thought hai double role ya ek 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 beat hai par usko use karna uske sath content banana uske sath logo ko hasana uske sath ek story banana uske sainkdon tareeke hote hain सो विदाउट कंपेयरिंग एंड विच आई वुड हेट कि ऐसा हो क्योंकि वरुण मेरा दोस्त है
हम सब पिक्चरें अच्छी बनाना चाहते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ना करते हुए अगर दोनों फिल्में अच्छी तरह एंटरटेन कर पाए और अपनी यूनिक आइडेंटिटी होल्ड कर पाए तो आई थिंक इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती।